नमस्कार, मेरा नाम है अमित भारद्वाज और मैं आज आपके साथ बात करने आया हूं आपके करियर को लेकर। ये जो लॉकडाउन का पीरियड है, इसका आप लाभ कैसे उठा सकते हैं? डर है, अनिश्चितताएं हैं, सब कुछ है, पर सबके साथ तो सही समय है जहां पे हम ऑप्शन को लेके चल सकते हैं, हम सोच सकते हैं अपने करियर के बारे में। तो आज बात करेंगे कि आप करियर का चुनाव कैसे करें, वो कौन सा फील्ड है जिसको आपको अपनाना चाहिए। ये जो लॉकडाउन का पीरियड है अभी चल रहा है, एक फेज आएगा, खत्म हो जाएगा, फिर उस समय आपके पास टाइम नहीं होगा, हमारे पास टाइम नहीं होगा कि हम फिर उस समय सोचे कि क्या करना चाहिए। बहुत अच्छा समय है जहां पे अपने बारे में सोच सकते हैं, अपने लाइफ के बारे में सोच सकते हैं, अपने करियर के बारे में सोच सकते हैं। करियर के बारे में जब हम डिस्कस करते हैं, जब हम बताते हैं कि करियर कैसा होना चाहिए, उसके कुछ पॉइंट्स मैंने सोचे हैं। अगर उसके ऊपर फोकस किया जाए तो शायद आपको कहीं हेल्प मिलेगा आपको सोचने में कि आखिर आपका करियर कैसा होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट है इन डेप्थ थिंकिंग। पहला पॉइंट, इन डेप्थ थिंकिंग ऑफ योर इंटरेस्ट। जितनी गहराइयों में जा सकते, जितनी गहराइयों से सोच सकते हैं, अपने इंटरेस्ट के बारे में सोचना शुरू कीजिए, क्योंकि ये समय है, ये वापस आपको नहीं मिलने वाला है। क्योंकि इंटरेस्ट, मेरे हिसाब से इंटरेस्ट है बहुत अच्छी चीज, लेकिन है बहुत खतरनाक चीज। इंटरेस्ट की कोई गारंटी नहीं होती। कुछ सालों पहले मुझे लूडो खेलने का बहुत शौक था, मैं कैरम बोर्ड बहुत अच्छे से खेलता था, मैं क्रिकेट में चैंपियन था, लेकिन आज ये सब नहीं हो रहा है, क्योंकि वो इंटरेस्ट अब इंटरेस्ट नहीं रहा। तो क्या हमें अपने करियर का चुनाव इंटरेस्ट के आधार पर करना चाहिए? पूरी तरह बिल्कुल नहीं। तो क्या करना चाहिए? हमें इंटरेस्ट के बारे में सोचना है कि ये इंटरेस्ट जो मेरे अंदर इंटरेस्ट है, उस इंटरेस्ट में कितनी गहराइयां हैं, कितना डेप्थ है, हमें उसके बारे में सोचना है। तो पहला जो पॉइंट है मेरा, वो है इन डेप्थ थिंकिंग ऑफ योर इंटरेस्ट, जिससे कि उस इंटरेस्ट को हम पैशन में कन्वर्ट कर पाए। महेंद्र सिंह धोनी एक बहुत अच्छा एग्जांपल है। महेंद्र सिंह धोनी को इंटरेस्ट था क्रिकेट खेलने का, लेकिन क्या सिर्फ वो इंटरेस्ट था? नहीं, उस इंटरेस्ट को उसने पैशन के रूप में कन्वर्ट किया। अगर पैशन नहीं होता उसका खेलना, क्रिकेट खेलना, तो वो क्रिकेटर नहीं होता, वो एक टीसी की जॉब करता हुआ होता, एक रेलवे में, जो एक अच्छी जॉब मानी जाती है। गवर्नमेंट जॉब मिल गई और क्या चाहिए? अगर इस थिंकिंग में होते तो अब एक अच्छे क्रिकेटर नहीं बनते। मतलब एक जॉब इंटरेस्ट तो था ही नहीं, और क्रिकेट में इंटरेस्ट नहीं था, क्रिकेट एक पैशन था, और वो पैशन की वजह से उन्होंने प्रैक्टिस किया। पहले इंटरेस्ट आया, इंटरेस्ट को कन्वर्ट किया पैशन में, पैशन की वजह से उन्होंने प्रैक्टिसिंग जारी रखी, और प्रैक्टिस करते 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 टैलेंट गेन किया, और जब टैलेंट आ गया तो उनको चारों तरफ कोई कंपटीशन नहीं दिखा। और जो कंपटीशन नहीं होता है,
तो वो एकमात्र राजा कहलाता है। एक डिमांड क्रिएट करता है, मतलब कि सबसे पहले जब हम डेप्थ थिंकिंग की बात कर रहे हैं तो हमें अपने इंटरेस्ट के बारे में सोचना है कि मेरा इंटरेस्ट किधर है, किस किस तरफ इंटरेस्ट है। जस्ट उसका उसको उसकी लिस्टिंग कीजिए, उसकी लिस्टिंग करने के बाद फिर देखिए उसकी प्रायोरिटी फिक्स कीजिए कि सबसे ज्यादा इंटरेस्ट मेरा किस में जा रहा है। इंटरेस्ट की लिस्टिंग की बात मैं कर रहा हूं। लिस्टिंग जब होगा तो आपके पास कुछ शॉर्ट लिस्टेड इंटरेस्ट आएगा। जब इंटरेस्ट आ जाएगा तो फिर आपको चूज करना है कि कौन सा फील्ड है जिसके अंदर मेरे अंदर पैशन आ सकता है। पैशन की बात मैं कर रहा हूं। तो पहले आता है इंटरेस्ट, फिर आता है पैशन, क्योंकि पैशन होगा तो ही प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के आप टैलेंटेड नहीं बन सकते हैं। दूसरा पॉइंट कि आपको जल्दबाजी नहीं करनी है करियर के चुनाव में, ऐसे फटाफट डिसीजन नहीं लेना है कि मुझे यह कर लेना है वो कर लेना है। अगर आपका फ्रेंड कॉमर्स माइंड है का है, अगर वो कॉमर्स माइंडेड है तो मतलब ये नहीं कि आप भी कॉमर्स माइंड का हो सकता है कि आपका क्रिएटिविटी हो, एक अच्छी क्रिएटिविटी आपके लिए क्रिएटिव वर्ल्ड इंतजार कर रहा है, आपको उस डायरेक्शन में जाना है लेकिन आपने सोचा नहीं, नहीं समझा नहीं, आपने फटाफट डिसीजन लिया, एक फेक कॉम्पिटिशन का पार्ट बन गए, एक फेक रेस का पार्ट बन गए और चले गए उसमें जहां पे आपको नहीं जाना चाहिए था। आपका स्ट्रेंथ, आपका जो स्ट्रेंथ था, पहला पॉइंट याद कीजिए, इन डेप्थ जो थिंकिंग की बात में मैंने किया था, आपका जो इंटरेस्ट था उस इंटरेस्ट तरफ नहीं गए, आप किसी और के इंटरेस्ट के तरफ चले गए, मतलब आप उस डायरेक्शन में नहीं गए जिस डायरेक्शन में जाना चाहिए था, आपको सक्सेस नहीं मिलेगा। तो आपको वो करना है जो आपके लिए बना है। आपको इन डेप्थ सोचना है, आपको सोचना है कि आपको आखिर करना क्या है, आपका इंटरेस्ट किस में, कब आपका इंटरेस्ट पैशन में कन्वर्ट हो सकता है कि नहीं हो सकता है, क्या आप एक अपने अनुसार बनाए प्लेटफॉर्म पर नहीं चल सकते हैं। आपको सोचना है कि आपको क्या करना है, जल्दबाजी नहीं दिखानी है कि आपको दूसरे के पाथ, दूसरे के दिए गए पाथ पे नहीं जाना है, दूसरे को फॉलो नहीं करना है। अगर वो पाथ आपके लिए है सुटेबल तो जाइए, लेकिन मैं ऐसा बोल रहा हूं कि आंख बंद करके उस पाथ को फॉलो करने की जरूरत नहीं है जिस पाथ पे सब जा रहे हैं। तीसरा पॉइंट है प्री स्ट्रगल एंड पोस्ट स्ट्रगल। प्री स्ट्रगल फायदेमंद है या पोस्ट स्ट्रगल फायदेमंद है? एक एग्जांपल दे रहा हूं। मुझे एमबीए करना है, तो मुझे एमबीए करना है तो मैं किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले लूं, किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले लूंगा, पता नहीं उसका रैंक क्या है उस कॉलेज का। एमबीए करने के बाद मेरा स्ट्रगल चालू होगा, पता नहीं कितने साल तब जाके अच्छी जॉब लग सकती है, नहीं लगेगी जॉब तो फिर फील्ड चेंज। इसको बोलते हैं पोस्ट स्ट्रगल, मतलब एमबीए में एडमिशन लेने में जल्दबाजी कर दी हमने, मैंने एमबीए में एडमिशन ले लिया, ये नहीं देखा कि वो कॉलेज किस रैंक का है, वो कॉलेज का क्या पोजीशन है, और मैंने एडमिशन ले लिया और एडमिशन लेने के बाद, कोर्स कंप्लीट करने के बाद मैंने स्ट्रगल करना शुरू कर दिया। दिस इज पोस्ट स्ट्रगल। ये डेंजरस हो सकता है, ये डेंजरस है, ये बहुत रिस्की है, क्योंकि अगर आप एमबीए करने के बाद स्ट्रगल करते हैं तो आपके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज का जो पहाड़ है वो आपके ऊपर दे दिया जाएगा सोसाइटी के द्वारा,
फैमिली के द्वारा, फ्रेंड्स के द्वारा एक अलग तरह के कंपटीशन में फंस जाओगे। एमबीए करने के बाद, मतलब एमबीए जैसे कोर्स करने के बाद आपके पास उतना टाइम नहीं होता है कि आप कुछ और दिन वेट करें। आपके ऊपर बर्डन से लेके रेस्पॉन्सिबिलिटीज का पूरा आपके ऊपर जो है ना थोप दिया जाएगा कि नहीं, आपको तो कुछ न कुछ करना है। अच्छा, तुमने कुछ नहीं किया अभी तक, तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया, और फिर क्या करोगे? फिर आप कुछ न कुछ कहीं न कहीं इसी ऐसे वैसे जगहों पर जाके जॉब कर लोगे। मतलब कितना डेंजरस चीज है, कितना रिस्की है, आपके लाइफ में कितना बड़ा रिस्की एलिमेंट जुड़ जाएगा। ये पोस्ट स्ट्रगल इज टू डेंजरस। अब प्री स्ट्रगल क्या होता है? प्री स्ट्रगल ये होता है जहां आपके पास अपार संभावना है, अपार टाइम है, बहुत सारे आपको टाइम दिया जाएगा, जैसे कि फैमिली टाइम देगी, सोसाइटीज टाइम देगी। एमबीए कॉलेज में एडमिशन लेने के पहले हम सोचेंगे कि मुझे कम से कम टॉप 5 या टॉप 10 कॉलेज में जाना है, उसकी तैयारी शुरू करेंगे। उसकी तैयारी में हमें साल दो साल लगेगा, तो लगेगा। ये भी एक स्ट्रगल है। दिस इज कॉल्ड प्री स्ट्रगल। और प्री स्ट्रगलिंग क्या होता है? वो बहुत ही सुखदायी होता है। कोई भी ये बोल रहा है, अच्छा वो एमबीए की तैयारी कर रहा है, अगर पूरा आपको टाइम मिलता है इसकी तैयारी करने का, और जब एक बार में आपने एक अच्छे रैंक कॉलेज में एडमिशन ले लिया, तो आपका स्ट्रगल का दौर खत्म हो गया। चौथा पॉइंट है, बी कन्फर्म व्हाट इज योर एड्रेस टू रीच योर डेस्टिनेशन। छोटी सी जर्नी की बात मैं कर रहा हूं। वो छोटी जर्नी क्या है? मैं सूरत में रहता हूं, मुझे मुंबई जाना है, तो क्या मुंबई जाने से पहले मैं मुंबई में जाना कहां है वहां का एड्रेस लूंगा या नहीं लूंगा? बट ऑब्वियस लूंगा। एक छोटी सी जर्नी के लिए हम क्या क्या करते हैं? एड्रेस लेते हैं, हम ट्रेन की टिकट लेते हैं, हम कंफर्म टिकट, जब कंफर्म सीट होता है तो हम निकलते हैं, वरना नहीं निकलते हैं। हम तब जाते हैं जब पूरा कंफर्म होते हैं कि मुझे जाना कहां पे और किससे मिलना है, फिर हम ट्रेन पकड़ते हैं और निकल पड़ते हैं, अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाते हैं। छोटे छोटे ऐसे ऐसे आपको कितनी जर्नी तय करनी पड़ती है आपकी लाइफ में। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट जर्नी आपके करियर, आपके फ्यूचर के लिए, तो वहां पे ऐसी तैयारी क्यों नहीं करते? वहां पे ऐसी तैयारियां क्यों नहीं है? वहां पे हम क्यों नहीं सोचते कि मैं जो इस लाइफ का जो ये जर्नी जो स्टार्ट करने वाला हूं, उसका डेस्टिनेशन कहां पे है, उसका फुल एड्रेस बिना लिए हम क्यों चल पड़ते हैं? अपने करियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं जिस मुकाम पे जाने वाला हूं, जो मेरा डेस्टिनेशन है, उसका एड्रेस क्या है। उस एड्रेस को बिना लिए हम अगर निकल पड़ते हैं तो वो सिवाय हताश के हमें कुछ नहीं मिलने वाला होता है। ये तो बात वही हो गई, हमें मुंबई जाना है, हम यहां से ट्रेन पकड़ते हैं और जाके बोरीवली स्टेशन पे पहुंचते हैं, तो हमें एहसास होता है कि बोरीवली आ गए, लगभग मुंबई आ गए, मुंबई के बॉर्डर पे आ गए, अब हम मुंबई जाना कहां पे है, अब एड्रेस फोन लगाते हैं किसी को और एड्रेस पूछते हैं। अगर हमें एड्रेस नहीं मिला तो फिर वापस हम लौट आते हैं। वहां तो चलेगा, लेकिन आपके लाइफ में ये चीज नहीं चलेगा। ये बहुत ही कष्टदायक होगा, ये बहुत ही डेंजरस होगा आपके लिए अगर आपने ऐसा किया। अगर आप करियर, एक आपका जर्नी है, करियर का चुनाव करना बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने
करियर को चुना, उसके डेस्टिनेशन चुना कि ये मुझे कहाँ पे लेके जाने वाला है, किस डायरेक्शन में लेके जाने वाला है, और जब हम पहुंचेंगे वहां पे तो वहां पे हमें क्या मिलने वाला है। तो बिना कंफर्म किए हुए एड्रेस आपको नहीं चलना चाहिए अपने इस करियर के जरिए, चाहे इसके लिए कितना भी आपको रुकना पड़े, वेट करना पड़े। जब तक सीट कंफर्म ना हो, जब तक आपका माइंड क्लियर नहीं हो, तब तक आप इस रास्ते पे ना निकले। ये मेरा आपसे, अब ये मेरा आपको सुझाव होगा, नहीं तो सिर्फ और सिर्फ हताशा मिलेगा। मैं इसी प्री स्ट्रगल की बात कर रहा हूं। सीट कंफर्म नहीं हो रहा है, वापस में टिकट लेंगे, नहीं मिल रहा है वापस लेंगे, बहुत ही भीड़ है उस रास्ते पे, बहुत ही कॉम्पिटिशन है उस ट्रेन में, काफी भीड़ है, हम बार बार टिकट लेंगे, टिकट कंफर्म नहीं होगा, अंत टिकट कंफर्म होगा फिर हम जाएंगे उस रास्ते की तरफ। जब कंफर्म सीट मिल गया, जब रास्ते पे निकल गए, तो 100% हम उस एड्रेस से पहुंचने वाले। तो एक गांठ बांध ले कि जब तक हमें एड्रेस नहीं मिलेगा, जब तक हमें वहां का डेस्टिनेशन हमें पता नहीं होगा कि मुझे जाना कहां है, हम कुछ भी डिसाइड ना करें, उस रास्ते पे ना चले। और पांचवा पॉइंट है कि कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में नहीं होना चाहिए, कोई भी क्वेश्चन मार्क नहीं होना चाहिए आपके माइंड में, नहीं तो जो प्रोसेस जो अपनाएंगे अपने करियर को लेके, उसमें वो बहुत ही आपको डिस्टर्ब करेगा। जैसे कि आपने कोई करियर चुन लिया बिना सोचे समझे और चल दिए, 3 साल की जर्नी है, कुछ भी बीबीए बीकॉम बीएससी कुछ भी आपने ले लिया, 3 साल की जर्नी है, आपने स्टार्ट कर दिया, देख के दिखावे में आके किसी और को देख के आपने रास्ता चुन लिया, चल दिए। कुछ दूर चलने के बाद, 6-7 महीने चलने के बाद आपको एहसास होता है कि ये तो रास्ता मेरे लिए था ही नहीं, फिर आप रुकते हैं और अपने आप से क्वेश्चन करते हैं कि आप आखिर ऐसा क्यों किया, ये तो मेरा फील्ड ही नहीं है, मेरा तो मन ही नहीं लग रहा इसमें। लेकिन चूंकि आपका खुद का डिसीजन था, तो आप पीछे नहीं जा सकते, अपने पेरेंट्स से बात नहीं कर सकते, सोसाइटी से बात नहीं कर सकते, ये आपका खुद का डिसीजन था, तो फिर क्या करेंगे आप? किसी भी तरीके से, किसी भी कैसे भी आप उस जर्नी को पूरा करने की कोशिश करेंगे। पूरा करने की कोशिश में आपके माइंड में तमाम क्वेश्चंस आने शुरू हो जाएंगे, बहुत सारे प्रश्न होंगे, मेरा ये फील्ड कैसा होगा, ये कोर्स करने के बाद मुझे क्या अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, क्या मुझे अच्छी जॉब मिलेगी, क्या मैं कुछ कर पाऊंगा, तमाम ऐसे क्वेश्चंस आपके माइंड में आएंगे। तो आपका माइंड 100% ही काम कर सकता है, आपका ब्रेन 100% ही काम कर सकता है। दिन भर में आप 50% तो ये समय सोच में बिता देते हैं कि आखिर क्या होगा, आखिर ये कोर्स करने के बाद, कंप्लीट करने के बाद मुझे अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी या नहीं मिलेगी, मैं जो बनना चाहता हूँ, मैं जो करना चाहता हूँ, मुझे मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, मुझे अच्छी जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी। 50% की प्रेशर में आके, चूंकि आपने खुद के डिसीजन से एडमिशन लिया था, तो आप 50% मानोगे अपने ब्रेन की, अपने माइंड की बात, और आप मेहनत करोगे जिस फील्ड में आपने एडमिशन लिया था, आप उसको किसी तरह 50% उस अपने माइंड का 50% लगा के आप उसको पूरा करोगे। 1 साल 2 साल 3 साल कोर्स करने के बाद 3 साल में आपने कितना परसेंट अपने इस कोर्स को दिया? सिर्फ 50%। आपको देना चाहिए था 100%, आपने दिया 50%। क्यों दिया 50%? क्योंकि एक तो आपके इंटरेस्ट का फील्ड नहीं था, दूसरा आपके अंदर बहुत सारी नेगेटिविटी आ गई थी कि
मैं तो फंस गया, अब तो मेरे से कुछ नहीं होने वाला है। प्लस 50 में आपने 50% में आपने काम किया, और 3 साल के बाद आप रिजल्ट उम्मीद क्या लगा रखे हो कि मुझे कम से 80-90% रिजल्ट आना चाहिए। क्या आएगा? नहीं आएगा। आपने दिया है इस फील्ड को 50%, तो आपको 50% मैक्सिमम 50% आपको रिजल्ट आ सकता है। 50% रिजल्ट लेके आप क्या करेंगे इस फील्ड में, जो न कि आपके इंटरेस्ट का फील्ड है, नहीं आपने इसके अंदर कोई एक्स्ट्रा टैलेंट गेन किया, ये तो आपने ऐसे ही कर दिया। जो आपको करना चाहिए था वो आपने नहीं किया, जो आपको नहीं करना चाहिए था वो आपने किया। तो ये जब जो मैंने 5 पॉइंट आपको बताए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो अपने लॉकडाउन का पीरियड है, आप इसे सोचें, रिसर्च करें, अपने बारे में सोचें, इन डेप्थ थिंकिंग करें। मैं वापस से आपको वो 5 पॉइंट थोड़ा संक्षेप में बताऊंगा। सबसे पहला पॉइंट है इन डेप्थ थिंकिंग, दूसरा पॉइंट है जल्दीबाजी ना करें करियर को चुनने में, तीसरा पॉइंट है प्री स्ट्रगल को अपनाएं, पोस्ट स्ट्रगल की तरफ मत जाएं, चौथा पॉइंट है कंफर्म करें अपने उस एड्रेस को जिस डेस्टिनेशन की तरफ आपको जाना है, जिस डायरेक्शन में आपको जाना है उसका एड्रेस क्या आपको पता है। बिना सोचे समझे, बिना कंफर्म आपको उस रास्ते नहीं जाना है। और पांचवा पॉइंट है कि आप और पांचवा पॉइंट है कि आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन हो उसका आपको आंसर पहले ढूंढ लेना है बिफोर स्टार्ट योर जर्नी। अगर आपको किसी डिजाइनिंग फील्ड में करियर बनाना है, जैसे फैशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन, तो उसके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है IDT का, इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी सूरत में। इसके काफी 10 सेंटर्स हैं पूरे इंडिया में। और अगर आपको इसमें इस फील्ड में अगर आपको करियर बनाना है तो मैं आपको इसमें काफी हेल्प कर सकता हूँ। आप मुझे डायरेक्टली फोन कर सकते हैं, आप मुझे मेल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।